सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये समझा कि मेरा प्रोफाइल आपने बनाना है। आई एम रियली थैंकफुल। कोई छोटी मोटी यहाँ पे मुझसे आई थिंक कि कोई कम्युनिटी की छोटी मोटी मैंने खिदमत की है और आपने उसको अगर एक्नॉलेज किया तो मैं शुक्रगुजार हूँ रब का उसके लिए। मैं इधर 1997 में आया हूँ, बल्कि 1996 टू बी वेरी प्रिसाइज 31 दिसंबर 1996 को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो 1996 एंड 1997 दोनों ही साल मेरे समझ लें यहाँ आमद के। यहाँ आने से पहले मैं बहरीन एयरफोर्स में था कॉन्ट्रैक्ट पे, और उससे पहले मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व किया। मैंने 16 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में रहा हूँ। आई एम अ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। एयरफोर्स मैंने ज्वाइन की थी एज अ फाइटर पायलट। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिमेंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। फिर मैंने डिफरेंट जगहों पे सर्व किया एयरफोर्स में एज एडमिन ऑफिसर और एज इंटेलिजेंस ऑफिसर। ISI में मैंने सर्व किया, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह नो रिग्रेट्स। बड़ा अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, बड़ी उसकी मेहरबानी है, बड़ा शुक्र है उसने, हमेशा बड़ी मेहरबानी की है। और एक बीवी है, 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी की शादी हो गई है, और बाकी 3 बच्चे मेरे जो हैं वो एक सबसे छोटी बेटी जो है वो पढ़ भी रही है, और बेटे दोनों मेरे काम कर रहे हैं। तो कनाडा बेसिकली आने का, मैं एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आया था पॉइंट्स के ऊपर। मेन रीज़न जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स जब मैंने छोड़ी तो मैंने खुदा से दुआ की थी कि मुझे नौकरी ना करनी पड़े पाकिस्तान में दोबारा, क्योंकि एयरफोर्स की नौकरी के बाद मैं नहीं समझता था कि कोई और ऐसी नौकरी हो अच्छी हो सकती है। कुछ थोड़ा बहुत बिज़नेस करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी मैं बिज़नेसमैन नहीं था और आज तक नहीं बन सका हूँ। तो फिर मैंने बहरीन एयरफोर्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बुला लिया, उनके साथ एज एन ऑफिसर मैंने सर्व किया 4 साल, यूनिफॉर्म में था बहरीन के भी। तो 20 साल मैंने 2 डिफरेंट एयरफोर्सेस का यूनिफॉर्म पहने। उसके बाद कनाडा आया। कनाडा में आके शुरू में वही स्ट्रगल थी। मैं अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का करियर परसू करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी मुश्किलात रहीं। मुझे हार्ट अटैक हो गया उसी दौरान, तो फिर खैर वो करियर छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, और डिफरेंट किस्म के फिर सिक्योरिटी गार्ड का इंस्ट्रक्टर बन गया, उनको पढ़ाता रहा। सिक्योरिटी के मेरे पास लाइसेंस है, जस्टिस इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस है। फिर मेरे पास जर्नलिज्म में डिग्री है और एक डिप्लोमा भी है जो मैंने USA से किया था जर्नलिज्म में। तो मुझे एक साहब थे यहाँ पर, निसार भट साहब, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप अखबार शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अखबार नहीं है। तो मुझे कुछ शुरू से लिखने लिखाने का थोड़ा शौक़ भी था, शायरी वायरी भी करता था। तो इन हवालों से मुझे वो चीज़ अपने दिल के बड़े नज़दीक नज़र आई कि ये कोई एक ऐसा काम है जिसको मैं चाहूँगा कि करूँ। लिहाजा मैंने यहाँ पर सबसे पहला मुसलमान अखबार जो है ब्रिटिश कोलम्बिया में दी मिरेकल के नाम से आज भी मौजूद है, उसको मैंने उसका शुरू किया। और जो मेरी समझ में आता था, जो मैं बिलीव करता था, वो मैंने अपने एडिटोरियल्स में एक्सप्रेस करना शुरू किया। और उसको बाद मैंने जो भी कम्युनिटी में हो रहा था, उन मेन मेरा मकसद ये था कि मैं उन चीज़ों को उजागर करूं, लोगों के सामने लाऊं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा फौजी किस्म का अंदाज था जिसमें मैंने काफ़ी लोगों को नाराज़ भी किया, लेकिन नियतन मैं कभी किसी के पर्सनल नहीं था, ज़ाती कोई मेरा किसी के साथ मसला नहीं था। अगर मैं समझता था तो जिन वैल्यूज़ के ऊपर, जिन मॉरल्स के ऊपर, जिन एथिक्स को मैं बिलीव करता था, उनको मैं ले के सामने आता रहा। उसमें बहुत अच्छे लोग हैं हमारे कम्युनिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है, गो कि हम काफ़ी पैसिव हैं, लेकिन हमें अभी बहुत बहुत चेंज हो गई है उस अरसे से अगर देखें तो। मिरेकल के हवाले से बेसिकली मुझे कम्युनिटी को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, तमाम लोगों का। मेरा मेन मकसद ये था कि मैंने ये देखा कि हमारी कम्युनिटी की कोई आइडेंटिटी नहीं है,
हम लोग कहीं पे नज़र नहीं आते हैं, कोई हमारे बारे में जो मेन स्ट्रीम है वो लोग हमें कुछ भी नहीं समझते हैं। तो उस वजह से मैंने फिर क्या किया कि जितने भी फंक्शंस होते थे कम्युनिटी में, जहाँ पे भी, मैंने तस्वीरें लोगों की खींचनी शुरू की। और बेतहाशा ग्रुप्स के अंदर कोई ऐसा आदमी मुझे कोई चलता फिरता नज़र आ जाता था, मैं उसकी तस्वीर लेके अखबार में डालते थे, क्योंकि आई थॉट कि लोगों को एक आइडेंटिटी, एक अपनी जो पहचान है वो महसूस होगी। क्योंकि उस वक्त कभी हमारे लोग जो थे बेचारे, पब्लिश होना तो बहुत दूर की बात थी, तो वो चीज़ें होनी शुरू थी। उससे वो कम्युनिटी में एक बड़ी अवेयरनेस सी आनी शुरू हो गई, लोग वोकल हो गए, लोगों के व्यूज़ आने शुरू हो गए। फिर मैंने अपने अखबार का एक ये रखा कि मैं अगर जो मर्ज़ी लिखना है, जिसने तहजीब के अंदर रह के और किसी दलील के साथ, किसी सबूत के साथ जो लिखना है, शाया कर मैं करूँगा, आप लिखें। और हमने लिखा लेटर्स टू दी एडिटर्स, हमारे बड़े भरे होते थे, लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ भी लिखा, वो सब कुछ हम उसको देखते रहे। बड़ा बहुत अच्छा मेरा 7 साल का एक दौर गुजरा। फिर बड़ा मुश्किल काम था अखबार चलाना, मैं अकेला एक आदमी था, मैं ही उसको कंपोज भी करता था, सारा कुछ उसको बनाता था, फिर सेट ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ बैठता था। मैंने 18 घंटे विदाउट स्टॉप मैंने काम किया, फिर उसको लेके जाना, उसकी प्रिंटिंग कराना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों से एड्स लेना, पैसे इकट्ठे करना, बहुत बहुत ज़्यादा एक था। फिर मेरे साथ नसीर पीरज़ादा ने ज्वाइन कर लिया, उससे काफ़ी हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, काफ़ी मुझे वो हेल्प मिल गई और हम चलते रहे काफ़ी अच्छे तक। फिर आखिर फिर मैंने कहा कि अभी बहुत हो गया, मैंने काफ़ी जो कुछ करना समझता था मैं, जो कुछ मैं कर सकता था अपनी हम्बल कैपेसिटी में मैं करता रहा। और मुझे ये पता था कि इस अखबार को अगर कोई चला सकता है तो, क्योंकि नसीर पीरज़ादा को मैंने बहुत नज़दीक से देखा था और उसकी वो और उसकी पूरी फैमिली जो थी उस काम में लगी हुई थी, तो आई थॉट के अखबार चलता रहना चाहिए, मैं हूँ ना हूँ। तो बस उसके ऊपर फिर वो मैंने पीरज़ादा साहब के हवाले किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अखबार अभी भी चल रहा है। तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा जो अखबार के उसमें गुजरा। इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो कि आप लोगों को याद होगा, जबकि हमने वो एक आर्टिकल मैंने पब्लिश कर दिया था जो कि ज्यूइश कम्युनिटी के ख़िलाफ़ था, और वाकई वो बड़ा ऑफेंसिव सा आर्टिकल था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा और मैं समझता हूँ तजर्बा मेरी ज़िंदगी का रहा, जहाँ मुझे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और देखना पड़ा और मुझे अपनी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ नज़र आई और अपने से ज़्यादा ज्यूइश कम्युनिटी की स्ट्रेंथ नज़र आई कि वो लोग कितने यूनाइटेड हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं किसी भी कम्युनिटी की, हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें ख़ुद भी वो अपनानी चाहिए। उसका एक मेरा ख़्याल है कि शायद लोगों को वो बात देखने में और शायद वो पसंद करें उसके बारे में सुनने में। तो उसका हुआ ऐसा था कि मैंने वो आर्टिकल छापा, तो उसके बाद कोई 10-15 दिन के बाद मैं अभी दूसरे अखबार पे काम कर रहा था, तो मुझे टेलीफोन आया एक, तो उसने बोला कि मैं अपना नाम बताया उसने रिपोर्टर ने, उसने बोला कि मैं ज्यूइश न्यूज़ बुलेटिन से मैं बोल रहा हूँ, जॉन पैटसन या उसका फ़ोन था। उसने बोला कि आपने जो आर्टिकल शाया किया है वो बड़ा ऑफेंसिव आर्टिकल है और ज्यूइश कम्युनिटी से बड़ी अपसेट है और वो उसको हेट क्राइम यूनिट के पास ले जाना चाहते हैं। तो मैंने उसे बोला कि वो आर्टिकल ठीक है, मैंने पब्लिश किया है एंड ऑफेंसिव भी है, और वो आर्टिकल मैंने जो है वो ख़ुद नहीं लिखा, किसी और का लिखा हुआ, जिस शख्स का लिखा है एडगर जे स्टीन जो था उसका उसमें वो है। तो आप उस आर्टिकल को अगर आप उसको रीबट करना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप उसका जवाब देना चाहते हैं, तो मैं आपको बाकायदा उतनी जगह आपको भी दूंगा और आप भेज दें मुझे, मैं पब्लिश कर दूंगा। लेकिन वो बोला कि नहीं, इट्स टू लेट, अभी वी आर प्रोसीडिंग विद द हेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने बोला कि वी आर लिविंग इन कैनेडा एंड दैट इज़ परफेक्टली योर राइट, अगर आप लोग ऐसा समझते हैं तो जस्ट गो अहेड एंड आई विल डिफेंड माई सेल्फ बिकॉज आई नो आई एम लिविंग इन कैनेडा एंड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच ओवर हियर। अगर
बहरहाल वो अभी मैं उसको फ़ोन करके रखा, तो उसके बाद एक और टेलीफोन आया मुझे, वो वैंकूवर सन से था उसका एक और बिलबुई, वो उनका रिपोर्टर था, उसने बोला कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम वैंकूवर सन और मुझे जो है उस आर्टिकल के बारे में आपने लिखा है ये। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार ये वाकई आर्टिकल तो कोई, जब मैं पब्लिश कर रहा था उस वक्त भी मुझे एहसास तो था, लेकिन मैं समझ रहा था कि हो सकता है कि शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच में लोगों में इतना वो होगा जो वो समझ सकें इस बात को। बहरहाल उसको भी मेरा यही जवाब था, और उसके बाद अभी मैंने फ़ोन बंद किया तो मुझे टोरंटो से स्टुअर्ट बेल का फ़ोन आया, टोरंटो स्टार का रिपोर्टर था, उसने भी वही सवाल किए, उसको भी वही जवाब दिए मैंने। उसे बंद किया तो CBC से टेलीफोन आ गया, रेडियो से, उन लोगों ने भी कहा कि वी विल बी रिकॉर्डिंग यू। मैंने कहा भाई ऑल मीन्स ठीक है आप करें। वो बहरहाल वो मुझे वहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी की स्ट्रेंथ जो थी वो महसूस हुई कि ये लोग कितने यूनाइटेड हैं, और अगर एक बात उन्होंने फील की है कि उनकी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है तो उन्होंने कितना एक्टिवली इस काम पे इस पर को किया है। बहरहाल वो मेरा इंटरव्यू उन्होंने रेडियो वालों ने रात को कर लिया, और अभी मैं रात का टाइम हो गया था, 11-12 बज गए थे, बाद में मैं जाके जब सो गया, और अभी मैं सुबह उठा भी नहीं हूँ, सोया हुआ था तो मेरे दरवाजे की घंटी बजी, तो मैं उतर के नीचे आया तो CTV वाले अपना कैमरा लेके मौजूद थे, और बोला कि यू वुड लाइक टू इंटरव्यू। तो मैंने बोला बाय ऑल मीन्स कम इनसाइड बट गिव मी टाइम, लेट मी टेक शावर एंड आई विल कम डाउन। खैर वो लोग बैठे तो बहरहाल वो एक बहुत बड़ी एक ऐसी खबर बन गई कि रातों रात थ्रू आउट नेशनल उसके ऊपर जो था वो रोज़ाना उसकी खबर का शुरू जो था वो उससे होता था। ज्यूइश कांग्रेस का जो था उनका व्यू एक तरफ से दिखाते थे, एक तरफ से हमारा व्यू दिखाते थे, फिर लोगों से उन्होंने अपने उनके वो मांगते थे। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि कुछ लोगों के साथ जो ज़ाती तौर से मतलब इस तरीके से था कि उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको मैं अखबार में अपने क्रिटिसाइज़ करता था और जिनके बारे में मैं लिखा करता था और जो उनकी कमज़ोरियां मैं दिखाता था, तो उन लोगों ने उस बात को सोचा कि अभी ये बेहतरीन मौका है इससे बदला लेने का। ख़ुद उनमें इतना वो नहीं था, लेकिन उस वक्त वो सारे ज्यूइश कम्युनिटी के साथ मिल गए, और यहाँ के बड़े लीडर्स थे जिन्होंने, मैंने TV पर मैं हैरान हो गया सुन के, वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वी अपोलोजाइज टू आर ज्यूइश ब्रदर्स एंड नुसरत हुसैन हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट आवर व्यूज़। मेरे अखबार को तमाम मसाजिद के अंदर उन्होंने बैन कर दिया। उसकी बेसिक वजह वो ज्यूइश कम्युनिटी के साथ हमदर्दी नहीं थी, वो जिसको बोलते हैं ना कि एक हुब्बे अली नहीं बल्कि बुग़्ज़े माविया था, वो मेरे साथ उनको क्योंकि उन लोगों के बारे में लिखता रहा था। बट एनीवेज उसके बाद भी देन वी वर्क टुगेदर, और मेरा ख्याल है दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसका जो सबसे पॉजिटिव चीज़ें मैं देखता हूँ कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इसके बाद मुसलमानों में और ज्यूइश कम्युनिटी में आपस में इंटरेक्शन शुरू हो गया। इमाम फवाद और इमाम ज़ियाद ये लोग काफ़ी एक्टिव रहे उसमें, और काफ़ी लोग आपस में एक दूसरे को समझना शुरू हो गए। एंड आई थिंक इस वक्त जो है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हम लोगों में भी इतनी हिम्मत आ गई है कि उनकी बात सुने और उन्होंने भी हमें समझना शुरू कर दिया। तो दिस वाज वन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द मिरेकल न्यूज़पेपर, जो काफ़ी मुझे उस दौरान एक दौर से गुजरते हुए बड़ा अच्छा ये। इसमें मिरेकल को छोड़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न था अखबार को छोड़ने का वो इकोनॉमिकल था। मैं एक तो जो था क्योंकि मेरा सारा बसर गुजर बच्चे छोटे थे, कोई काम नहीं उस वक्त कर रहे थे, पढ़ते थे, तो घर का खर्चा वर्चा चलाना जो था वो फाइनेंसेस जो थे वो मेरे पास ही थे। तो इसके दौरान मिरेकल को वो करते हुए तो आई ऑलमोस्ट मतलब जो कुछ भी मेरे पास था वो सब इसी पर लग गया। ही ऑलमोस्ट मैंट बैंक रात, मेरे तो पैसे मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गए, तो आई हैड टू मुझे ज़िंदगी जो थी फाइनेंसेस जो थी ना वो भी देखने थे, तो लिहाजा फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने एक मिरेकल से ब्रेक लिया।
फिर मैंने रियल इस्टेट का कोर्स किया वेल्टर का, उसमें काम किया। फिर उसके बाद मैं कुछ एक कंपनी के साथ, मुंबई रियासत के साथ मैं उनके पास काम करता था इमिग्रेशन में। फिर उसके बाद मैंने एक इमिग्रेशन मार्केटिंग कंपनी जो है अपनी, वो लॉन्च की और वो रन कर रहा हूँ अभी भी और साथ में वो। लेकिन बेसिकली जो कम्युनिटी का जो आप पूछ रहे हैं कि इतने अरसे में कम्युनिटी कहाँ से कहाँ हुआ, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई, मैं ऐसी वो नहीं कहना चाहता कि कोई अपनी ज़ाती क्रेडिट इसमें लेना चाहूँ, लेकिन मिरेकल का ये क्रेडिट ज़रूर है कि मुझे यहाँ पर जो पुराने हमारे लोग हैं, बड़े बड़े और बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं। ये बहुत गलत होगा कि उन लोगों को क्रेडिट ना दिया जाए। आज जो कुछ यहाँ मौजूद है, इतनी मस्जिद मौजूद हैं, आप लोगों ने इतने फंक्शंस होते हैं, आप लोग लेके आते हैं, ये दो एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन है, पाकिस्तान कनेडियन कल्चरल एसोसिएशन है, आप लोगों ने बेतहाशा काम किए हैं। और उनको हो सकता है कि जो देखने वाला होता है वो कहता है जी इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है। लेकिन आप इसको ना भूलें कि जो कुछ मौजूद है ये भी कुछ कम नहीं है, ये बहुत कुछ है। इससे अच्छा हो सकता था, तो वो लोग जो इससे अच्छा बनाना चाहते हैं वो आएँ और काम करें। हमारे यहाँ बदनसीबी है कि हम लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन जब वक्त आता है काम करने का तो उसमें हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने मोबालाइज़ किया है कम्युनिटी को, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BCMA है अपना, PCA है, PCCA है, और जितने भी लोग यहाँ पे जिस तरह काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस कम्युनिटी की। एंड तो मुझे उस ज़माने में मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि यार, क्योंकि जब मैंने अखबार में ये तस्वीरें छापनी शुरू कर दी, इन लीडर्स को बुलाना शुरू कर दिया, MLAs, MPs, सेनेटर्स हमारे फंक्शंस में आना शुरू हो गए, हमने फंक्शंस किए, और तो मुझे किसी ने बताया, एक सीनियर हमारे यहाँ के हैं, बड़े मशहूर इंसान हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नुसरत, हम पहले कोई 14 अगस्त का फंक्शन करते थे, कुछ करते थे, तो हम ये काउंसलर्स के पास, सिटी काउंसलर्स के पास उनके पीछे पीछे हम भागते थे कि हमारे चीफ गेस्ट बन जाएँ, तो वो लोग नखरे दिखाते थे। लेकिन जब मैंने अखबार में ये सब शो करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, तो इन पॉलिटिकल लीडर्स को भी नज़र आना शुरू हो गया कि ये तो बहुत लोग हैं, और फिर उन्हें वो एज अपने वोटर्स देखते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब तो माशाल्लाह, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उधर भी MPs और वो आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक मिरेकल का कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें है, और जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है लाइमलाइट में आ गई है। और हम लोग वाकई, ये हकीकत है कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, थोड़े से मज़ीद ऑर्गेनाइज हो जाएं, हम काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं, ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे कैनेडियन पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग किंग मेकर्स हैं, जिधर हमारे वोट चले गए वो जीत जाएंगे वो लोग, अगर हमें अच्छी तरीके से आपस में एक दूसरे को समझ के डायलॉग का सिलसिला जारी रखें। जो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर, जो बड़ी अब तो माशाल्लाह वो कम होती जा रही है, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ये थी कि लोग अपनी ज़ाती उसके अंदर फंसे हुए थे कि उसने मुझे ये कह दिया तो मैं, वो अगर प्रोग्राम कर रहा है तो मैं तो उसका ये कर दूँगा। दिस इज़ नॉट राइट। लेकिन हम एक उस दौर से गुजर चुके हैं, ये हमारा लर्निंग स्टेज थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड, मैं बड़ा खुशी महसूस होती है मुझे देख के इस वक्त हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं हमारे, कि हमारी एक शनाख्त हो रही है। हमें इसी तरह नहीं समझा जाता कि ये लोग जो हैं मिस्टर नोबडीज़ हैं, अभी हमें हमारे पीछे लोग आते हैं, खासकर पॉलिटिकल हवाले से बात करता हूँ। फिर रिलीजन के ऊपर भी जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हमने अपने रिलीजन को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया होता। मैं बताऊं आपको एक और वाक़या सुनाऊं कि मेरा ख्याल है मेरा दूसरा एडिटोरियल था अखबार में, जब मैंने पहला अखबार छोड़ा तो मेरे साथ जब पहला एडिटोरियल लिखा गया सारे लोग बहुत खुश थे मुझसे। दूसरा एडिटोरियल था वो तालिबान ने बाईमान में अफ़गानिस्तान में बुद्धा का स्टैचू जो था उसको तोड़ दिया था, उसको गिराया, मैंने उसके ख़िलाफ़ लिखा, और मैंने हवाले दिए कुरान शरीफ के सूरह अनम का हवाला दिया,
जिसमें है कि उनके खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें। तो कुरान के हवालों से मैंने वो बात उसमें लिखी और मैंने कहा ये तो इसमें क्या है, बुत तोड़ने से हम कोई बहुत बड़े मुसलमान बन जाते हैं, सारी दुनिया के साथ हमारी मुखालफत चल रही है। एक बुद्धा को के जो मानने वाले लोग हैं जो किसी से दुनिया में जिनका कोई झगड़ा नहीं, एक वो ऐसी कौम है और अभी हमने उन लोगों को भी तो दिस वॉज माई पर्सनल व्यू बट बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एंड आई गेव माई आर्ग्यूमेंट्स अपने आर्टिकल में। वो एडिटोरियल लिखना था कि मेरे पास टेलीफोनों की मुझे भरमार लग गई शाम को, हर दो चार लोग जो बड़े थे, आपने ये क्या लिखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि इस्लामी हुकूमत सिर्फ एक वही है, आप मुसलमान हैं, मुसलमानों का अखबार चला रहे हैं। उसमें हमने कभी भी अगर कोई तस्वीर डाल दी किसी की तो फिर इस किस्म के वो लोगों के वो बनने शुरू हो गए। बट आई एम ग्लैड कि वो चीज़ें मैंने मेरे हाथ से हो गई इस तरह की, जिसकी वजह से उनको ओपन डिबेट का मौका मिल गया, वरना इस बात पर डिबेट नहीं होती थी। जो मौलाना साहब ने मस्जिद में कह दिया वो हरफे आखिर होता था, लोगों ने घरों में उसके अगेंस्ट और उसके फेवर में बातें करनी शुरू कर दी। सो एक डिबेट का वो एक प्रोसेस शुरू हो गया जहाँ से लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि यार कुछ बातें सही हैं कुछ गलत हैं। तो मेरा ख्याल है रिलीजियसली हम जो है थोड़ी सी लिबरलाइजेशन हुई हमारी थाट में, लोगों ने खुद पढ़ना शुरू कर दिया मस्जिद को, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में रहते हुए, कनाडा में रहते हुए। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का हम सबको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, और वैंकूवर जो है वो कनाडा का खूबसूरत तरीन बेहतरीन शहर है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है हमारे ऊपर, और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने ऐसे भी कई लोगों से सुना है, बहुत लोग मुझे कहते हैं यार ये क्या है, हमने तो पाकिस्तान जाना है ये वो। तो मैं उनसे ये कहता था यार मेरे भाई तुम्हें किसी ने गोली रखी है, तुम्हारे बंदूक रखी है तो आपके माथे के ऊपर के यार तुम कनाडा जाओ, अगर आपको कनाडा नहीं पसंद है तो वापस चले जाओ, और पाकिस्तान हमारी जान है यार, पाकिस्तान तो कोई भी पाकिस्तानी जो है ना, ये बहरहाल हर मुल्क के लोगों को अपने मुल्क से प्यार होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई अल्लाह ताला ने कोई पाकिस्तानियों के खून में कोई अजीब सी बात डाली हुई है। मुल्क से मोहब्बत है सब, ऐसा कोई आदमी नहीं है पाकिस्तानी नहीं है जिसको कि पाकिस्तान से प्यार ना हो। हम जा सकें ना जा सकें डिफरेंट हालात हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, पाकिस्तान में कोई बात होती है तो हम तकलीफ़ महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद, आपने मुझे बहुत मौका दिया यार, एंड आई एम रियली थैंकफुल, और मैं बेसिकली बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि मेरे पे एक इल्ज़ाम ये भी हम पे लगता था कि PCCA को हमने बनवाया है, तो गो के इसमें कोई हकीकत तो नहीं है, लेकिन यार ये आप लोगों के जो काम कर रहे हैं ये देख के मेरा दिल चाहता है कि इस इल्ज़ाम को कबूल कर लूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को जो है इस काम में और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच।